हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपसे बात करूंगा लोअर लिम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पॉपलीटियल फोसा। तो देखिए, लोअर लिम में हम जो सीक्वेंस होती है पढ़ने की, वो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फीमोरल ट्रायंगल, फिर हम पढ़ते हैं एडक्टर कैनाल, देन उसके बाद हम पढ़ते हैं पॉपलीटियल फोसा। फीमोरल ट्रायंगल और एडक्टर कैनाल की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आपको पॉपलीटियल फोसा और अच्छे से समझना है तो पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, पॉपलीटियल फोसा होता क्या है। पॉपलीटियल फोसा इज अ डायमंड शेप्ड डिप्रेशन लाइंग बिहाइंड द नी जॉइंट। देखिए, नी जॉइंट का जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है, उसमें एक डिप्रेशन होता है डायमंड शेप का। डायमंड शेप का एक डिप्रेशन होता है और उसी को हम पॉपलीटियल फोसा कहते हैं। तो देखिए, पॉपलीटियल फोसा की बाउंड्रीज देखते हैं। देखिए, आपको ये सब ब्राउन कलर से बनाना है। मैंने आपको डिफरेंट कलर्स इसलिए यूज किए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए, ये हमारी मीडियल साइड है और ये हमारी लेटरल साइड है। अब ये ध्यान रखिएगा, हम इसको पोस्टीरियरली देखते हैं। तो ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। तो मीडियल साइड का जो हमने पॉपलीटियल फोसा को चार बाउंड्रीज में डिवाइड कर दिया है, सुपीरो मीडियली, ये हमारी मीडियल साइड है, ये हमारी लेटरल साइड हो गई। तो ये जो साइड हो गई, ये हो गई हमारी सुपीरो मीडियली, ये इन्फीरो मीडियली, ये सुपीरो लेटरली और ये इन्फीरो लेटरली। तो सुपीरियर मीडियली कौन सी मसल बनाती है, सेमी मेम्ब्रेनोसस और सेमी टेंडेनोसस। तो हमारा सुपीरियर मीडियली आ गया सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड सेमी टेंडेनोसस। देखिए, ये जो ये ग्रीन कलर से मैंने टेंडन दिखाया हुआ है, सेमी टेंडेनोसस। और यहाँ पे तीन मसल आती हैं, यहीं पे आके तीन मसल इंसर्ट होती हैं, जिनका नाम है ग्रेसिलिस, सार्टोरियस एंड एडक्टर कैनाल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपीरियर लेटरली की। सुपीरियर लेटरली कौन सी मसल आती है, बाइसेप्स फेमोरिस। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फीरियर, यहाँ पे आएंगे हमारे जो इन्फीरियर होता है वहां पे हमारी आएंगी गैस्ट्रोपनीमियस। गैस्ट्रोपनीमियस का मीडियल साइड क्या आएगा, मीडियल हेड, और लेटरल साइड क्या आएगा, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोपनीमियस। हमारा लेटरल जो साइड है वहां पे एक और मसल सप्लीमेंट करती है, जिसका नाम है प्लांटेरिस। तो देखिए, जैसे जैसे आप लोअर लिम पढ़ते जाएंगे तो आपको ये सारी मसल्स याद होती जाएंगी कि मीडियल साइड की कौन है, लेटरल साइड की कौन होती है, तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये बाउंड्रीज कंप्लीट हो गया, फिर हम इसकी पढ़ेंगे रूफ। ये हमारा रूफ है। तो देखिए, रूफ कहाँ, सबसे पहले स्किन, देन सुपरफिशियल फेशिया और देन डीप फेशिया, ये तो कॉमन होता है सब में। तो देखिए, इस वाले पॉपलीटियल फोसा के रूफ में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स का नाम है, एक तो स्मॉल सेफिनस वेन, वो नीचे से आएगी और कहाँ ड्रेन कर जाएगी, हमारी पॉपलीटल वेन में। देखिए, यहाँ पे ऊपर से फिर नीचे से पॉपलीटल वेन आ रही होगी, तो पॉपलीटल वेन में ये स्मॉल सेफिनस वेन एंटर कर जाएगी, ड्रेन कर जाएगी। नेक्स्ट हमारी आती है, एक पीछे नर्व आएगी जिसका नाम है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। कौन सी नर्व है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ये सुपरफेशियल फेशिया को पियर्स करती है और हमारी मतलब पॉपलीटल फोसा के कंटेंट भी बनाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो हमारी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई होती है ना, उसका एक पोस्टीरियर डिवीजन, जो हमारी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है उसका पोस्टीरियर डिवीजन भी हमारा सुपरफेशियल फेशिया में आता है। नेक्स्ट क्या आता है, पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व। तो देखिए, हमारी जो शियाटिक नर्व होती है उसमें से हमारी कॉमन पेरोनियल नर्व और टीबियल नर्व डिवाइड होती है, फिर कॉमन पेरोनियल नर्व की भी एक ब्रांच होती है पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व। तो ये जो पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व है, ये कहाँ आती है, हमारी सुपरफिशियल फेशिया में। तो ये हमारा हो गया रूफ। अब हम बात करेंगे फ्लोर के बारे में। तो देखिए, फ्लोर यहाँ पे हमें पता है क्या है, फीमर है, और फीमर है तो कौन बनाएगा, पॉपलीटियल सरफेस ऑफ फीमर इसका फ्लोर बनाएगा। यहाँ पे नी जॉइंट है इसके एंटीरियरली, तो यहाँ पे नी जॉइंट का कैप्सूल हमारा फ्लोर बनाएगा। और क्या, एक देखिए, यहाँ पे पॉपलीटियस मसल होती है जो हमारा पोस्टीरियर नी जॉइंट पे होती है, पोस्टीरियरली पॉपलीटियस मसल होती है, तो उसका एक लिगामेंट आता है, तो उसको बोलते हैं ऑब्लिक पॉपलीटियल लिगामेंट। और पॉपलीटियल मसल को कवर करने वाला फेशिया, पॉपलीटियल फेशिया। तो क्या क्या आ गया, पॉपलीटियल सर्फेस ऑफ द फीमर, कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट, ऑब्लिक पॉपलीटियल लिगामेंट और पॉपलीटियल फेशिया। तो ये हमारा हो गया बाउंड्रीज, रूफ एंड फ्लोर। तो देखिए, आपको डायग्राम यही बनाना है, पहले मैंने आपको बाउंड्रीज बताई थी, बस आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे सब में ब्राउन कलर करना है। अब हम इसके मेन पार्ट पे आ जाते हैं, जो है इसका कंटेंट। तो देखिए,
ये एडक्टर हाइटस है, ये जो सर्कल बना रखा है मैंने, ये एडक्टर हाइटस है ग्रीन कलर से। तो ऊपर से हमारी आ रही है फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी, जैसे ही वो एडक्टर कैनाल को क्रॉस कर देती है बना देती है हमारी पॉपलीटियल वेन और पॉपलीटियल आर्टरी। देखिए हमारा जो थाई रीजन होता है, थाई रीजन होता है उसकी एंटीरियर थाई की मेन नर्व कौन सी होती है, फीमोरल नर्व। मीडियल साइड की नर्व कौन सी होती है, ऑब्टुरेटर नर्व। और पोस्टीरियर साइड की जो मेन नर्व होती है वो होती है शियाटिक नर्व। तो ये हमारा पॉपलीटियल जो हमारा पॉपलीटियल फोसा है कहाँ लोकेटेड है, पोस्टीरियर। तो यहाँ पे नर्व कौन सी आएगी, शियाटिक नर्व। जैसे ही शियाटिक नर्व पॉपलीटियल फोसा के रीजन में आती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, उसकी दो टर्मिनल ब्रांचेज होती हैं, एक तो हमारी टीबियल नर्व, एक हमारी कॉमन पेरोनियल नर्व। तो ये दोनों ही नर्व इसके कंटेंट बनाएंगी। अब तो इसके कंटेंट क्या है, पॉपलीटियल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस। ये देखिए जैसे ही फिमोरल वेन और फिमोरल आर्टरी ने एंटर किया तो ये पॉपलीटियल वेन और पॉपलीटियल आर्टरी बन गई। तो इन ये मेन नर्व और इनकी मतलब सॉरी मेन आर्टरी और वेन और इनकी ब्रांचेज आएंगी। तो पॉपलीटियल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेज, पॉपलीटियल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। देखिए आर्टरीज की हम ब्रांचेज करते हैं और वेन के लिए हम ट्रिब्यूटरीज करते हैं, क्योंकि आर्टरी से आर्टरीज के थ्रू ब्लड ब्रांचेज में जाता है और ट्रिब्यूटरीज के थ्रू जो ब्लड है वो मेन वेन में आता है, तो इसलिए हम ब्रांचेज और ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी टीबियल नर्व और उसकी ब्रांचेज आ जाएंगी, पॉपलीटियल कॉमन पेरोनियल नर्व और उसकी ब्रांचेज आएंगी। तो ये चार मेन कंटेंट हैं, और पॉपलीटियल लिम्फ नोड और फैट जो इन सब स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे लिम्फ नोड भी आ जाएंगे और फैट भी आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए मेन चीज जो इसमें स्टार पॉइंट है वो है इनकी पोजिशंस, जो हमारी मेन नर्व और वेसल है। मेन नर्व वेसल कौन सी है, टीबियल नर्व, पॉपलीटियल नर्व सॉरी पॉपलीटियल आर्टरी और पॉपलीटियल वेन। देखिए आप कंफ्यूज ना हो ना, तो इसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। हमने जो हमारा ये पॉपलीटियल फोसा है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, अपर पार्ट, मिडल पार्ट और लोअर पार्ट। तो हम पॉपलीटियल आर्टरी, पॉपलीटियल वेन और टीबियल नर्व की पोजिशंस बता रहे हैं इन तीनों में। तो ये मैं आपको स्केच पेन से दिखाऊंगा। तो देखिए अपर पार्ट में क्या होता है, देखिए ऊपर से ये नर्व है, शियाटिक नर्व डिवाइड हो गई, ये मैं इसको ये टीबियल नर्व डिनोट कर रहा हूँ। तो ये हमारी टीबियल नर्व हो गई। ऊपर से आ रही थी हमारी पॉपलीटियल आर्टरी सॉरी पॉपलीटियल वेन और पॉपलीटियल आर्टरी। तो जो अपर पार्ट है उसमें क्या अरेंजमेंट होता है, मीडियल टू लेटरल आर्टरी वेन नर्व। तो देखिए अपर पार्ट में रिलेशन क्या है, मीडियल टू लेटरल आर्टरी वेन नर्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडल पार्ट में। देखिए मिडल पार्ट में इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, ऐसा अरेंजमेंट होता है, मिडल पार्ट में ऐसा अरेंजमेंट होता है। तो फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड, पीछे से आगे की तरफ क्या अरेंजमेंट होता है, नर्व वेन आर्टरी। तो पीछे से आगे क्या अरेंजमेंट होता है, नर्व वेन आर्टरी। देन ये क्रॉस कर जाते हैं, पहले ऐसे थे देन क्रॉस करेंगे और ऐसे आ जाएगा। तो फिर लोअर पार्ट में इनका स्ट्रक्चर क्या हो गया, मीडियल टू लेटरल नर्व वेन और आर्टरी। तो देखिए इसमें कैच क्या है कि जो हमारी वेन है वो बीच में ही रहेगी। तो स्टार पॉइंट क्या हो गया, आर्टरी और ये देखिए। तो स्टार पॉइंट ये वेन बीच में ही रहेगी, आर्टरी और नर्व, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो अपर पार्ट में मीडियल टू लेटरल AVN, मिडल पार्ट में NVA और लोअर पार्ट में NVA। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉपलीटियल फोसा, और आपको इतना ही याद करना है इसमें, और एग्जाम में भी ऐसे ही ड्रॉ करके आना है। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट पॉपलीटियल फोसा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।